आप जानते हैं कि इस समय ALP लोको पायलट और टेक्नीशियन का मेडिकल लगभग सभी जोनों में चल रहा है, तो हर एक जोन में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ मेडिकल और DB में अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी कुछ चैनल वाले इसको बहुत काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, जैसे बहुत से छात्रों में एक निराशा बनी हुई, एक डर सचाया हुआ है। मैं उसी के बारे में आप लोगों को कुछ एडवाइस दूंगा, जिसे आप लोगों को अगर अच्छा लगे हमारा तो उस चैनल को शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मैं आरआरबी गोरखपुर से गयासुद्दीन अंसारी मेरा नाम है, मैं OBC का कैंडिडेट हूँ। मुझे DB के बाद लखनऊ में भेजा गया था, बादशाह नगर में, जहाँ मेरा मेडिकल 23 तारीख को संपन्न हुआ था। तो मैं आपको सारी बता रहा हूँ सीरियल वाइज को, आपको क्या क्या होना है। सबसे पहले जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, उसके पहुँचने के बाद हमें 2 स्लिप दिया गया, उन स्लिपों को हमें फार्मेट की तरफ भरवाया गया। भरवाने के बाद हमें पुनः 2 स्लिप दिया गया, जिसमें बोला गया कि आप जाइए 10 नंबर रूम में, जहाँ पर आपको जो है यूरिन सैंपल देना है और ब्लड देना है। तो हम लोगों ने खाली पेट ही गए थे, और वहाँ पर जाने के बाद हमारा सैंपल ब्लड का लिया गया, शुगर जांच के लिए और ब्लड दोनों के लिए हो जाता है। उसके बाद नीचे हमें ब्लड के बाद यूरिन दिया गया, यूरिन देने के बाद फिर हमसे बोला गया X-ray को लेकर के एक्सरे के लिए जाइए। उसके बाद हम वहाँ से एक्सरे के लिए गए, एक्सरे लेने के बाद पुनः हमको वापस आए। वापस आने के बाद हम फिर से जो है जहाँ डॉक्टर मेन बैठते हैं वहाँ पर गिराने के बाद बोला गया कि आप सारे कपड़े जो है आपको उतार दिया गया। कपड़े उतारने के बाद फिर हमको अंडरवियर पर रखा गया था, अंडरवियर पहनकर हमारे इंटी लाइन में सारे लड़के को लगा दिया गया, और एक के बाद एक का जो हाइड्रोसिल चेक किया गया। हाइड्रोसिल कोई भी हाथ वगैरह से नहीं चेक किया, सिंपल बस उसे देख करके आपको छोड़ दे रहे थे, और पाइस वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया थी, ना ही खांसने को बोला जा रहा था, ना ही उठने बैठने को, कोई भी दिक्कत नहीं थी। वन एक सैंपल तरीके से आपको देख करके हाइड्रोसिल छोड़ दिया जा रहा था। उसके बाद क्या होती थी आई विजन टेस्ट के लिए, आई विजन में एक बुक थी, जिस बुक को वहाँ पर डॉक्टर थे, एक नियर छोटी छोटी अक्षर थी जो हमारे करीब लाया गया और उसको पढ़ने के लिए बोला गया। तो उसको पढ़ने के बाद फिर हमारे पास जो कलर विजन टेस्ट में कुछ अंक बने थे जो रंगीन में थे, उसको पढ़ना था। पढ़ने के बाद उसमें कुछ लाइनिंग बनी थी, उसमें दिखाना था, हाथ से ड्रॉ करके बताना था कि कैसे वो हो रहे हैं। एक्चुअली उसके बाद फिर डिस्टेंस विजन, जो हमसे लगभग 20 फीट की दूरी पर वहाँ पर एक सी कटर था, जिसमें सी की तरह का था, उसका मुंह इस साइड में कटा था, वो डॉक्टर घुमाकर पूछ रहे थे, लगभग 20 बार 25 बार भी पूछ रहे थे, कुछ लोगों से 4-5 बार भी पूछ के छोड़ा जा रहा था। तो मुझसे जो है पहली बार में मैंने जब बताया तो एक मुझसे गलती हुई, जिसे डॉक्टर ने मुझसे लगभग 20 बार पूछा था, तो मैंने उसको अच्छे से बताया। फिर डॉक्टर उसके बाद बोला कि ठीक है आप जाओ कुछ खाना वाना खा करके फिर वापस आ जाना। फिर हमें खाना खाने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद हम वहाँ से निकले, खाना खाया आधे घंटे बाद। फिर खाना खा करके जब वापस आए तो पुनः हमें जो है ब्लड सैंपल देने को कहा गया। जब ब्लड सैंपल देने गए तो उन्होंने कहा कि आपको खाना खाए के 1 घंटे बाद ब्लड सैंपल देना है। तो हमने क्या किया, वहाँ से खाना खाया, खाना खाने के बाद आधा घंटा से ऊपर हो गया, तो हमने क्या किया ECG करवा लिया। हमारा ECG हो गया, ECG करने के बाद फिर हम वापस आए, जब हमारा 1 घंटा हो गया तो फिर से हमने ब्लड दोबारा दिया। तो ब्लड में उन्होंने क्या जांच किया था कि एक बार हम जो खाली पेट गए थे तो शुगर कैसा था, और एक बार खाने के बाद हमारा शुगर में क्या था, उससे उन लोगों ने ब्लड में शुगर वगैरह चेक किया था। इतना चेक करने के बाद हमसे लास्ट में एक आई ड्रॉप टेस्ट करवाया गया, आई ड्रॉप टेस्ट करवाया गया, जिसमें हमारे आँखों में एक एक बूंद दोनों आँखों में एक ड्रॉप डाला गया, जिससे हमारे आँखों में नज़दीक की जो काफ़ी नज़दीक होती है उस चीज़ों को पढ़ने में हमें दिक्कत कुछ समय बाद आई थी, देख नहीं रहा था दुबला। तो उसके बाद डॉक्टर ने एक एक ला करके मशीन में वो देख रहे थे आँखों में, दोनों आँखों में बारी बारी से, कि आपके आँखों में कहीं कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी तो नहीं हुआ था। इन चीज़ों को उन्होंने डीपली से चेक किया था, काफ़ी अच्छे से चेक किया था। उसके बाद हमारे जो आँखों से एक कलर वाला था, उसमें 3-4 कलर जल रहे थे, तो ऊपर वाला वहाँ पर रेड था और बीच में जो ग्रीन थे और नीचे एक येलो था, वो पूछ रहे थे बार बार कि कौन सी लाइट जल रही है। इसको पूछने के बाद उन्होंने कुछ भी पूरे गोरखपुर, बादशाह नगर, लखनऊ में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो चेक किया गया, बस इतने ही आपकी चेक हो रही है। मित्रों, आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, ना ही वहाँ पर ब्लड फ्लू चेक हो रहा है, ना ही वहाँ पर पाइल्स चेक हो रहे हैं, ना ही वहाँ पर कान चेक हो रहे हैं, ना ही वहाँ आपके दांत, ना ही माउथ, कुछ ऐसे चेक हो रही है।
नॉर्मल आपका ईसीजी हो रहा है, ईसीजी के बाद आपका जो है आई टेस्ट हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, 2 बार यूरिन टेस्ट हो रहा है और ब्लड टेस्ट हो रहा है, बस इतने ही आपके पास। इसके अलावा आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना है। बाकी जो भी यूट्यूब पर अगर आपको बताया जा रहा है, इन चीज़ों से मुझे थोड़ा सा अंतर लगा। मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ मेडिकल हुआ, तो काफ़ी मैं राहत महसूस किया और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर भी वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम किसी के साथ होती थी तो उसको दोबारा 1 से 2 बार 3 बार उसे चेक कर रहे थे। और फाइनली हम लोग लगभग 5 बजे तक हम लोग खाली हो गए, और खाली होने के बाद हम लोग बैठे थे, तो डॉक्टर से बैठे बैठे थे हम लोग, लगभग 5:30 बज गया। तो उन्होंने डॉक्टर आई, मेन डॉक्टर जो थी लेडीज हैं वो आई, उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो, तो हम लोग कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने अंदर से बोला कि बच्चे क्यों बैठे हैं, इन्हों छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद फिर वहाँ से अंदर से दो डॉक्टर उठकर आए और उन्होंने दो नाम बाकी लोग आप लोग जा सकते हो। तो हमने पूछा मैम हम लोग को कुछ रिपोर्ट मिलेगा कि हम लोग क्वालिफाइड हुए, मेडिकल फिट हुए कि अनफिट हुए। तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी होगा वो आपको आरआरबी को सूचित कर दिया जाएगा, आप लोग अब आराम से जा सकते हैं, कुछ उन्होंने बताया नहीं। फाइनली एक मैडम थी जो स्लिप उन लोगों का मेडिकल करवा रही थी, काफ़ी हेल्प में उन्होंने करवाया था। तो मैंने उनसे लास्ट में स्टैंड तक जब जा रही थी अपने रूम पर, तो मैं वहाँ तक गया उनसे और मैंने उनसे फिर पूछा। उन्होंने एक बात कहा कि बेटा ऐसा सबकी नौकरी लगेगी और कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो आप लोगों को दोबारा बुला लिया जाएगा, बाकी आप लोग जा सकते हैं। तो मित्र ये पूरा आपका गोरखपुर जोन आरआरबी से जो भी बादशाह नगर लखनऊ में मेडिकल होगा, मैं उसका ये रिव्यू बताया हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।